नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किरण प्रकाशन के आरआरबी एएलपी रेलवे का जो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का बुक है, किरण प्रकाशन ने लॉन्च किया है और ये बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी बुक है। ठीक है, इस बुक में आपको 100% सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और जो भी ऑफिशियल आंसर की जारी हुआ था उसी पे आधारित ये बुक है। यहाँ देख सकते हैं सेट्स इन्होंने बताया हुआ है, 30 सेट्स में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तीनों शिफ्ट को कवर किया गया है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है 3 शिफ्ट में होता है, तो यहाँ पर 3 शिफ्ट को कवर किया गया है। और यहाँ पे टोटल आपको स्टेज 1 का 30 सेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो बुक दोस्तों इंपॉर्टेंट है, TCS का पेपर है इस बुक के अंदर, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि रेलवे का जो एग्ज़ाम है वो उसको TCS ने लिया था। ठीक है ना, चलिए इस बुक के MRP के बारे में बात करें तो ये बुक आपको 245 रुपये में मिल जाएगा, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है दोस्तों, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस के बारे में बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पेज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे टोटल। ठीक है, टोटल पेज आपको 285 पेज आपको देखने को मिलेंगे। और ख़ास बात यह है कि ये बुक मेरे पास हिंदी में है और सेम बुक आपको इंग्लिश में भी देखने में मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों का अलग अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, अभी हिंदी वाले का मैं रिव्यू दे देता हूँ और अगले वीडियो में आपको इंग्लिश वाले बुक का रिव्यू दे दूँगा। इस बुक का देखिए 255 रुपये MRP है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस बुक को देख लेते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर ELP का TCS का प्रीवियस ईयर पेपर इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। पहला पेज देखिएगा तो सबसे पहले आपको एक कूपन देखने को मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट के लिए, जिसमें 20 सेट आपको देखने को मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे और बाइलिंगुअल देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, मॉक टेस्ट तो ये आप चाहे तो दे सकते हैं। और यहाँ पर स्टेप्स लिखे गए हैं कैसा आपको यूज़ करना है, सारा कुछ यहाँ नंबर दिया गया है। कोई दिक्कत होता है तो इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए या कॉल कीजिए, आपको वो गाइड कर देंगे कि कैसे इस मॉक टेस्ट को आपको देना है। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिएगा पहला पेज, पहले पेज में बताया गया है कि किरण प्रकाशन का ये बुक है RRB ELP एग्जाम के लिए। फर्स्ट स्टेज है एग्जाम के, 30 सेट आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। सॉल्व पेपर है TCS का विथ है डिटेल आंसर की 100% सॉल्यूशन के साथ। आगे दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पे 245 MRP है, जिसपे ऑनलाइन ऑफलाइन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ दोस्तों आप देखिएगा कंटेंट में सबसे पहले देखिएगा RRB ELP टेक्नीशियन परीक्षा 9/8/2018, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट है, उसके बाद 10/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट है, तीनों का शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 13/8 तीनों शिफ्ट है, 14/8 तीनों शिफ्ट है, 17/8 तीनों शिफ्ट है, 18/8 तीनों शिफ्ट है, 21/8 तीनों शिफ्ट है, 29/8 तीनों शिफ्ट है, 30/8 तीनों शिफ्ट है, 31/8 तीनों शिफ्ट है। मतलब आप लोगों को पता है कि 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 31 अगस्त को एग्ज़ाम जाके ख़त्म हुआ था रेलवे ELP का। ठीक है ना, और बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया था उस समय। तो यहाँ पे क्या दोस्तों है कि यहाँ पे आपके जो मतलब जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, एक ही बुक में सारे कुछ को कवर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों आप देखिएगा 9/8/2018 ये है शिफ्ट 1, तो जो क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, TCS के द्वारा ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और काफ़ी बच्चों को यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ था, जो नॉन वर्बल रीजनिंग पूछा गया था उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ था। ठीक है ना, इसलिए कट ऑफ आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लो चली गई थी, जो स्टेज 1 का कट ऑफ है, जो सिर्फ क्वालिफाई भी थे उनको भी पास कर दिया गया था। मतलब जनरल के लिए जो 40 नंबर लेके आए हुए हैं उनको भी क्वालिफाई किया गया था, कैटेगरी वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन था उनके अनुसार पे क्वालिफाई कर दिया गया था पहले स्टेज में। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार क्या होगा कि इस बार आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं मिक्स क्वेश्चन है, मैथ्स, रीजनिंग, GK GS सारा कुछ इसमें आपको मिक्स देखने को मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ देखिए बीच में साइंस का क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट एक बार अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है ना, तो इस बुक को दोस्तों आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, बुक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे तो साइंस के भी क्वेश्चन अच्छे से देखने को मिलेंगे, GK के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि ELP का जो एग्ज़ाम होता है उसमें साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है GK के अपेक्षा में, मैथ्स रीजनिंग का जो वेटेज होता है वो इक्वल होता है। ठीक है ना, 75 क्वेश्चन यहाँ आपको टोटल यहाँ पूछे गए थे, यहाँ दोस्तों देख सकते हैं 75 क्वेश्चन का ये सेट है। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था और आप भी अच्छे से बना सकते हैं। केवल आपको ये समझना होगा कि जो क्वेश्चन नहीं बनते उनको स्किप कीजिए, उनको जाने दीजिए, बाकी टाइम बचाइए
और अंत में जाके उनको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि किसी क्वेश्चन के पीछे फंस गए तो आपको दिक्कत होने वाली है। अब दोस्तों लंबे क्वेश्चन को पहले स्किप कीजिए, ठीक है। इससे सेट को बनाने से यही फायदा होता है कि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन को कब छोड़ना है, कब बनाना है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन खत्म होते हैं आंसर की जारी हो गया, आंसर की आप दोस्तों देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं, सॉल्यूशन है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि उसके बाद यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया, बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन इस बुक के अंदर दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। देख सकते हैं आप, क्लॉक का भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, बट आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। और सॉल्यूशन दोस्तों जो किरण प्रकाशन का होता है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से बताते हैं। इनके बुक को चाहे तो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक होता है दोस्तों। और ये बुक दोस्तों काफ़ी पतला बुक है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मोटा ये बुक नहीं है। आप आसानी से इसे मतलब इस पूरे सेट को बना सकते हैं। अगर आप ELP की तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरे के पूरे सेट को आप बनाइए और इसको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करके जाइए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी आधार पर पूछा जाएगा, क्योंकि पहली बार TCS ने एग्ज़ाम लिया था अब, और ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, मतलब पहला स्टेज का एग्ज़ाम है, तो पहला स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा इसी प्रकार का होगा, इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सेट नंबर 2 है, शिफ्ट 2 है, 9/8/2018 शिफ्ट 2 सेट नंबर 2। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन है, इसमें DI आपको देखने को मिल जाएगा, नॉन वर्बल हो गया, मिरर इमेज हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं हर एक प्रकार के क्वेश्चन इसमें शामिल है, जिससे आपका तैयारी क्या होगा अच्छा हो जाएगा। कंप्यूटर का भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं GK के अंदर में, और GK में रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का हो गया, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आंसर की। और जो सॉल्यूशन हो जो दोस्तों होता है वो किरण प्रकाशन का बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है, और आप आसानी से इनके सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। GK वाले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। और एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाए तो इनका जो सॉल्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है। और इस बुक को आप फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छा बुक है दोस्तों, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, बुक बहुत ही ज़्यादा शानदार है ये वाला, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये बुक कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है ना। और ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा, ठीक है। इस बुक में केवल एक साल का ही पेपर दिया गया है, मतलब 2018 में एग्जाम हुआ था, 2018 के ही पेपर को कवर किया गया है, ठीक है। बुक दोस्तों बहुत ही अच्छा है, पतला सा बुक है। इनके और भी बुक आते हैं जिसमें देखिए मानचित्र है, भारत का भूगोल, अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं रेलवे NTPC के लिए तो ये बुक आप ले सकते हैं। सामान्य ज्ञान बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक है, NCERT पे नवीनतम पैटर्न पे आधारित है। इस बुक में क्या है, आज़ादी से लेके अब तक के राज्यपाल मुख्यमंत्री अलग से दिया गया है, मिसलेनियस को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है, हिस्ट्री में अलग आपको स्टैटिक GK देखने को मिलेगा। स्टैटिक GK के लिए ये बुक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुक है। यहाँ पर लिखा गया है भारत का इतिहास भी है, विश्व का इतिहास भी अच्छे तरीके से है, ठीक है। कला संस्कृति, भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान, भौगोलिक तत्व, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भौतिक साइंस पूरा कवर किया गया है, जंतु विज्ञान को भी, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्रिया विज्ञान, उसके बाद कृषि एवं पशुपालन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, पुरस्कार पुस्तक एवं लेख, शब्द, खेलकूद, सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा, भारत एवं विश्व का प्रथम, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। पूरा GK कवर किया गया। खान सर के बुक है, इकोनॉमिक्स हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया और राजव्यवस्था हो गया। और मैं बता दूं किरण पब्लिकेशन का जो भी बुक होता है यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी बुक साइंस का हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद यहाँ देखिएगा सार संग्रह, सारे एग्जाम वाइज आते हैं, खान सर का ही ये बुक है। तो बुक दोस्तों काफ़ी अच्छे होते हैं इनके बुक को आप लीजिए, बुक में कोई कमी नहीं है और बुक का सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये बुक कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।